गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, एक और इलस्ट्रेशन इस लेक्चर में कवर करेंगे बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2012। अच्छा बेटा, आपको ऑथराइज कैपिटल दे रखी है डिवाइडेड इनटू 5,006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपको दे रखी है 5,006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच और इक्विटी कैपिटल। परचेजेस आपको वाइन सिगरेट सिगार्स की दे रखी है, फूड स्टफ्स की दे रखी है, वेजेस एंड सैलरी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, लॉन्ड्री। बेटा एक छोटा सा जरा मिसप्रिंट है यहाँ पर बेटा, ये जो लॉन्ड्री है ना, ये चेक कर लेना अपने स्टडी मटेरियल में, ये बेटा क्रेडिट साइड पे नहीं डेबिट साइड पे आएगी 750। ठीक है, फिर सेल्स आपको दे रखी है वाइन सिगरेट सिगार्स की, फूड की, कोल एंड फायरवुड, कैरेज एंड कूलिएज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर्स, रेंट ऑफ रूम्स, बिलियर्ड, मिसलेनियस रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, वाइन सिगरेट सिगार्स की, फूड स्टफ्स की, कैश इन हैंड, कैश विद बैंकर्स, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, 2,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 6% पे, पीएल, ट्रेड पेबल, रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, जनरल रिजर्व, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है वाइन सिगरेट्स और सिगार्स की और फूड स्टफ की, डेप्रिसिएशन उसने कहा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 5% है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% है। ठीक है, अच्छा, द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2011 स्टूड एट 7,20,000, दैट इज 6,000 शेयर्स फुली पेड एंड 2,000 शेयर्स ₹60 पेड। डायरेक्टर्स मेड अ कॉल ऑफ 40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर 2011। अ शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 90 पर शेयर एज फुली पेड। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर्स ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व, इग्नोर टैक्सेशन। तो बेटा जैसे मैंने कल कहा था, पहला काम तो बेटा आपका वही होगा, एडजस्टमेंट्स जो हैं बेटे, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स का क्या करना है, ट्रीटमेंट। आओ बेटा मेरे साथ साथ पहले हम एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे बेटा, उसके बाद बात की बातें। वर्किंग नोट्स, पहला बच्चे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस के नीचे देखो वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है बेटा 1,280। बच्चे ये तो आप 11th क्लास में भी करते हो ना, वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग की बेटा जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है बेटा वेजेस एंड सैलरीज डेबिट टू वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, है ना, वेजेस एंड सैलरी डेबिट टू वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,280। बेटा अब एक बात बताओगे, ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट बेटा क्या पड़ता है, सुनो, इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे क्या पड़ेगा बेटा, वेजेस एंड सैलरी देखना कहां पर है आपकी, ये रही बेटा वेजेस एंड सैलरी। तो बेटा वेजेस एंड सैलरी ₹1,280 से बढ़ जाएंगी, ₹1,280 से वेजेस एंड सैलरी बढ़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 28,300 थी प्लस 1,280, 29,580 हो जाएंगी बेटा वेजेस एंड सैलरी। और बेटा दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा बेटा क्रेडिट साइड पे, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ना आउटस्टैंडिंग 1,280, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बेटा, बात समझ आई। तो हमने डेबिट साइड को 1,280 से बढ़ाया, क्रेडिट साइड को 1,280 से बढ़ाया, ट्रायल बैलेंस आपका क्या हो गया, टैली। अच्छा फिर बेटा अगला पॉइंट देखो, वेजेस एंड सैलरी का हो गया, खैर ये तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो वैसे भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है।
फिर है फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन है 5% और लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% है बेटे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात देख के बताना बेटा, आपको कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा दे रखा है? देखना एक बार, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मेरे ख्याल से बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो हम एक काम करेंगे बच्चे, एक बार जरा वैसे निकालना 5% डेप्रिसिएशन क्या आता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, सॉल्व करना बेटा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 5% है, 86,300 पे 5%, 4,315 का डेप तो आ गया फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, 4,315 का डेप, ठीक है। और अगर लैंड और बिल्डिंग पे निकाले 2% का डेप है, लैंड और बिल्डिंग कितने की है बेटे, 8,50,000, उस पर 2%, 8,50,000 17,000 रुपए का डेप बेटा ये आ गया, 17,000 का डेप। तो अगर बेटा डेप का टोटल कर दें तो 17,000 प्लस 4,315 बेटा कहाँ जाएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा ना, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 21315, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 21315 हुआ बेटा सबका। चलो अब आओ बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से। द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 April 2011 स्टूड एट 7,20,000, दैट इज 6,000 शेयर्स फुली पेड एंड 2,000 शेयर्स 60 पेड। बेटा एक बात सुनो, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बेटा 1 April 2011 को 7,20,000 रुपए था, मेरी बात सुनना बेटा। एक काम करो बच्चे, दो लेजर अकाउंट्स बनाना इक्विटी शेयर कैपिटल के, दो बेटा दो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, दो लेजर अकाउंट्स बनाना बेटा। मैंने दो क्यों बनाए हैं, मेरी बात सुनना बेटे, क्वेश्चन पढ़ो लास्ट पैराग्राफ। उसने कहा था इक्विटी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 7,20,000 है, जिसमें से 6,000 शेयर्स तो हैं फुली पेड 100 के हिसाब से, तो ये वाला अकाउंट तो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 शेयर्स 100 के हिसाब से 6,00,000 के, और 2,000 शेयर हैं पार्टली पेड, तो बेटा ये वाला जो अकाउंट है ये हो गया पार्टली पेड शेयर्स का, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 शेयर 60 के हिसाब से 1,20,000 के, ठीक है बेटा। अच्छा अब सुनो, द डायरेक्टर्स मेड अ कॉल ऑफ 40 पर शेयर ऑन 1 October 2011। तो बेटा डायरेक्टर्स ने क्या करा, इन पार्टली पेड शेयर होल्डर्स से बेटा 40 रुपए की फाइनल कॉल बुलवाई, ठीक है। अच्छा बेटा, अ शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर्स। अब सुनना मेरे को, पहले बताओ बेटा कुछ एंट्रीज बताना, मुझे बताओ फाइनल कॉल को पहले तो बेटा आप क्या करते थे, ड्यू, क्या एंट्री बनाते थे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, एक शेयर पे 40 की फाइनल कॉल, तो 2000 शेयर पे 80,000 रुपीज की फाइनल कॉल। फिर बेटा फाइनल कॉल रिसीव करते थे बैंक डेबिट, लेकिन बेटा कुछ कॉल्स इन अरियर्स हुए हैं, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 80,000 आना था बेटा। अच्छा सुनना बेटा, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने बेटा फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 100 शेयर्स पे 40 के हिसाब से उसने 4,000 रुपये कंपनी को नहीं दिए, तो कितना पैसा दे दिया बेटा, 76,000 उसने दे दिया। बात समझ आ गई सबको? अच्छा मेरी बात सुनना बेटा,
मैं बेटा बाकी कोई अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं बाकी कोई अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा बेटा? 8000 से बाय फाइनल कॉल। लो 80000 से क्रेडिट हो गया। बाकी बेटा मैं और कोई अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, समझ आ रहा है सबको? अब बेटा कंपनी ने क्या करा, उसके शेयर्स को कर दिया फॉरफीट। अब बेटा बनाते हैं फॉरफीचर की एंट्री। बच्चे फॉरफीचर की आप एंट्री क्या करते थे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और क्या आता था? टू कॉल्स इन एरियस। बेटा कितने शेयर फॉरफीट हो रहे हैं? 100 शेयर, और एक शेयर पे कॉल्ड अप 100 था तो 10,000। बेटा उसने 10,000 शेयर्स पे कितना पैसा नहीं दिया था? 4,000 रुपए नहीं दिया था ना, तो वो कॉल्स इन एरियस में चला गया। और कितना पैसा दे दिया था? 6,000 उसने दे दिया था, वो फॉरफीचर में आ गया। चलो पोस्टिंग करो शेयर कैपिटल अकाउंट में इसकी। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर 6,000, टू कॉल्स इन एरियस 4,000। समझ आ रहा है बेटा सबको? चलो शेयर्स फॉरफीट भी हो गए बेटा। उसके बाद कंपनी ने ये शेयर्स कर दिए रीइशू 90 रुपए के हिसाब से। रीइशू की एंट्री क्या करते हो? बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं? सारे बेटा 100 शेयर्स 90 के हिसाब से 9,000। 100 रुपए का शेयर 90 रुपए का इश्यू हुआ है, मतलब एक शेयर पे 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 100 शेयर पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट और कैपिटल में आ जाएगा 10,000। तो शेयर कैपिटल को बेटा क्रेडिट कर दो फिर से बाय बैंक 9,000 बाय शेयर फॉर फ्यूचर 1,000। बेटा एंट्री समझ आ रही है सबको पक्का? अब बताओ बेटा लास्ट एंट्री आप क्या करते थे? शेयर फॉर फ्यूचर को प्रॉफिट को बेटा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा फॉर फ्यूचर पे 6,000 का प्रॉफिट हुआ था और रीइशू पे 1,000 का लॉस हुआ है, तो बेटा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 का। ये बेटा एंट्री बन गई शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल 5,000। बात समझ आई? ध्यान से मेरी बात सुननी है, कॉपी कर लो बेटा। तो बच्चे हमने टोटल कितनी एंट्रीज बनाई हैं? 5। पहले फाइनल कॉल को ड्यू करा, फाइनल कॉल को रिसीव करा, जिसने पैसा नहीं दिया था कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, फिर कंपनी ने उसके शेयर्स को रीइशू कर दिया और प्रॉफिट जो हुआ वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा अभी सुनना, अभी काम की बात है बेटा। अब मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट का क्या बच रहा है? करना जरा 1,20,000, 80,000, 9,000, 1,000, 2,00,000, ठीक है। ये तो हो गया बेटा इन वाले शेयर्स का बैलेंस जो पार्टली पेड अप थे पहले, अब तो खैर फुली पेड अप हो गए हैं। और इन वाले शेयर्स का बैलेंस क्या है? इसमें तो कोई चेंज नहीं है, 6,00,000, ठीक है। तो बताओ कि बेटा टोटल क्लोजिंग बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या आता है? 6,00,000 प्लस 2,00,000, 8,00,000। तो 31 मार्च बेटा 31 मार्च 2012 को इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस आता है 8,00,000 रुपीस। ये कौन सी डेट का बैलेंस है? 31 मार्च 2012 का बैलेंस। ये 31 मार्च 2012 का बैलेंस है। अब मैं बेटा आपसे एक बात बस डिस्कस करना चाहता हूं, समझ आया बेटा सबको? अब मैंने आपसे बेटे क्या डिस्कस करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं कहूंगा। आओ बेटा ट्रायल बैलेंस पे आओ। ये देखो बेटे
बेटा इक्विटी कैपिटल का बैलेंस आपको दे रखा है, ये ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 12 का ही है। तो इक्विटी कैपिटल 31 मार्च 12 को कितनी दे रखी है बेटा, 8,05,000 रुपए। और हमारे हिसाब से बेटा इक्विटी कैपिटल कितनी आ रही है, 31 मार्च 12 को 6,00,000 प्लस 2,00,000, बेटा 8,00,000 आ रही है हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 12 को आ रही है 8,00,000 और उनके ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आ रही है 8,05,000। बेटा अब मुझे थोड़ा सा ये सोचना है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। भाई मेरे हिसाब से तो इक्विटी कैपिटल 31 मार्च 12 को 8,00,000 आती है, क्वेश्चन में उन्होंने 8,05,000 दिखा रखी है, ऐसा क्यों? बेटा मैं बताऊं, ये देखो बेटा ये डिफरेंस आ रहा है 5,000 का, मैं आपको बताता हूं बेटा। आपको पता है ये बेटा कायदे में ना ये एंट्री बननी चाहिए थी, कायदे में बेटे प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है ना, कायदे में ये एंट्री बेटा बननी चाहिए थी। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा सोच पा रहा हूं बेटा, तो उन्होंने पता है एंट्री क्या बनाई है बेटा, उन्होंने शेयर फॉर फ्यूचर को बेटा डेबिट कर दिया शेयर कैपिटल में, मतलब शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया बेटा कितने से, 5,000 से। तो एंट्री बननी चाहिए थी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, उन्होंने एंट्री बना दी शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल, ये इनकरेक्ट एंट्री है बेटा, ये एंट्री थोड़ी ना होती है भाई। फॉर फ्यूचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है, कैपिटल में थोड़ी ना जाता है। इसीलिए बेटा आपकी जो 8,00,000 की कैपिटल आ रही थी ना, वो 5,000 से और बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 8,05,000। लेकिन बेटा ट्रीटमेंट तो गलत है ना, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी बेटा इसकी, आपको इसकी बनानी पड़ेगी बेटे एक रेक्टिफाइड एंट्री, आपको इसकी बनानी पड़ेगी एक रेक्टिफाइड एंट्री। तो मुझे एक बात बताओ, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होना चाहिए भी था और डेबिट हो भी गया, ठीक है। अब बताओ गलती से हमने डेबिट किसको कर दिया, सॉरी क्रेडिट किसको कर दिया, शेयर कैपिटल को। तो अब शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं कितने से, 5,000 से, और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होना चाहिए था नहीं करा, तो अब कर देते हैं 5,000 से। लो एंट्री बन गई शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो गई। बेटा समझ आया सबको? अच्छा अब एक बार आओ बेटे दोबारा से, ये देखो बेटा ट्रायल बैलेंस, मुझे बताओ रेक्टिफाइड एंट्री में हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया है 5 से, डेबिट करेंगे 5 से तो शेयर कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा 5 से, कितनी हो जाएगी बेटा, 8,00,000 हो जाएगी शेयर कैपिटल। और लायबिलिटी साइड पे बेटा एक चीज और आ जाएगी, क्या, कैपिटल रिजर्व कितने का, 5,000 का। तो एक तरफ मैंने लायबिलिटी को घटाया, एक तरफ लायबिलिटी को बढ़ाया, बात खत्म। बताओ बेटा मेरे को, पूरा ट्रीटमेंट हमने डिटेल में डिस्कस किया, मेरे ख्याल से बच्चे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट बेटा क्लियर हुआ सबको? अब बेटा एक पॉइंट हमारा और है थोड़ा समझने वाला बेटा, इंपॉर्टेंट है वो भी, ये देखना जरा। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर्स। अच्छा मेरे को एक बार बताना बेटा, 8% का डिविडेंड है इक्विटी डिविडेंड, 8% बेटा, 8% किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल का ना। और अभी बेटा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल निकाली 8,00,000 रुपए, तो 8,00,000 रुपए पे 8%, 8,00,000 रुपए पे 8%, तो ये आती है बेटा इक्विटी डिविडेंड 64,000 आ गया। लेकिन एक बात छोटी सी आपसे और कर लूं, मुझे ना एक लॉजिकल बात बताना बेटा, बिल्कुल लॉजिकल बात। नोटिस करो बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स भी स्टैंड कर रहे हैं बैलेंस शीट में 5,00,000 रुपए के। और बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम प्रेफरेंस क्यों कहते हैं, प्रेफरेंस क्योंकि बेटा उनको प्रायोरिटी मिलती है, मतलब
इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो बेटा याद रखना, अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है ना 64,000 का, तो इनको तो बाद में दोगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। क्वेश्चन कहे ना कहे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा इनको। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे हो ही नहीं सकता विदाउट पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो कितना परसेंट डिविडेंड है? 6%। कितने पे? 5,00,000 पे। तो इनको तो देना ही पड़ेगा बेटा, 30,000 रुपए का डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कितना आया? 94,000। ठीक है। और उसने एक लाइन और कही है जिसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। ये मैं बेटा बाद में बताऊंगा आपको। सब बताओ, सारी एडजस्टमेंट्स बेटा डिस्कस कर ली। अब हमारा क्वेश्चन बस उन्हें पीएल में और बैलेंस शीट में बेटा रखने का है, बस काम हमारा करना शुरू करें। आओ बेटे, चलो पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तीन कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नोट नंबर 1, वर्किंग नोट, नोट नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बच्चे, स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं क्या क्या दे रखा है। बेटा सबसे पहले तो मुझे सेल्स दे रखी है बेटा, देखो पढ़ो, सेल्स आपको दे रखी है वाइन्स की, सिगरेट्स की, सिगार्स की, 68,400। वाइन्स, सिगरेट्स, सिगार्स, 68,400। इसके अलावा बेटा आपको फूड की सेल्स दे रखी है, फूड स्टफ की, 57,600। ठीक है, और देखना बेटा क्या है। बेटा रेंट ऑफ रूम्स याद रखना, होटल का केस है बेटा, होटल का केस है, और होटल के लिए बेटा रूम का रेंट ऑपरेटिंग इनकम है, रेंट ऑफ रूम्स। होटल के लिए रेंट ऑफ रूम्स इज ऑपरेटिंग 48,000। बिलियर्ड 5700, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं बेटा, 5700। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, वैसे बेटा आप चाहो तो मिसलेनियस रिसिप्ट्स को अदर इनकम में भी दिखा सकते हो। डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता है, ये आपका अदर इनकम्स वाले हेड में जाएगा, और ट्रांसफर फीस भी अदर इनकम्स वाले हेड में जाएगा। ठीक है, बस बेटा टोटल कर लो इसका, ये आपकी इनकम्स आ गई, 68,400 प्लस 57,600 प्लस 48,000 प्लस 5700 प्लस 2800, 182,500, 182,500। बेटा उन्होंने ना ट्रांसफर फीस को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाले शेड्यूल में ही दिखा दिया है, तो गलत है बेटा। ट्रांसफर फीस आपकी अदर इनकम्स है, आपके नेक्स्ट वर्किंग नोट में जाएगा। ठीक है, चलो अगला, सेकंड, अदर इनकम्स, नोट नंबर 2, अदर इनकम्स। बेटा अदर इनकम्स में दो इनकम्स आएंगी ना, डिस्काउंट रिसीव्ड और ट्रांसफर फीस। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है बेटे?
3300 और ट्रांसफर फीस 700। फोर थाउजेंड टोटल 186,500। ये आपका ये आ गया थर्ड। बेटा थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बेटा अब याद रखना होटल का केस है। होटल के केस में बेटा मटेरियल कंज्यूम्ड में पता है क्या आएगा? फूड जो बेटा रेस्टोरेंट्स में प्रोवाइड किया जाता है दैट इज मटेरियल कंज्यूम्ड। भाई पहले रॉ मटेरियल लाया जाएगा, फूड बनाया जाएगा, फिर फूड को बेचा जाएगा। तो याद रखना इट इज मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नोट नंबर 3। मटेरियल कंज्यूम बेटा कैसे निकालते हो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो बताओ मेरे को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ्स कितना है? बेटा फूड स्टफ्स है मटेरियल आपका। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ बेटा फर्स्ट पेज के लास्ट में दे रखा है 5260 प्लस परचेजेस ऑफ फूड स्टफ। चेक करो ऊपर दे रखा है बेटा परचेजेस 36200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ। सबसे लास्ट में दे रखा है 16400 तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है बेटा फूड स्टफ कंज्यूम्ड आ जाता है 5260 प्लस 36200 माइनस 16400 25060। ये बेटा आपका मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है फिर बेटा फोर्थ फोर्थ आता है बच्चे परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और बेटा इसमें पता है कौन सी परचेजेस आ जाएंगी? बेटा ऊपर देखोगे ना तो वाइन्स सिगरेट्स और सिगार्स। बेटा वाइन्स सिगरेट्स और सिगार्स मटेरियल नहीं हो सकता क्योंकि वाइन्स सिगरेट्स और सिगार्स खरीदा जाता है और बेचा जाता है तो ये तो फिनिश गुड्स है ना। फूड इज मटेरियल क्योंकि फूड पहले रॉ मटेरियल लाया जाएगा, बनाया जाएगा, फिर बेचा जाएगा। जबकि वाइन सिगरेट और सिगार्स एज इट इज बेटा लाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है 45800 की परचेजेस। फिफ्थ चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चलो बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर लिखी लो फोर्थ। चलो फोर्थ चेंजेस इन इन्वेंट्री अच्छा बेटा मेरी बात सुनना। बेटा मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाइन्स सिगरेट सिगार्स एटसेट्रा कितना था? बेटा ओपनिंग स्टॉक था बेटा 12,800 रुपए। माइनस क्या करोगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाइन्स सिगार्स एटसेट्रा 22,500। तो बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में चेंज कितने का आया? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 9,700 का डिफरेंस आ रहा है। बेटा क्या चीज बड़ी आ रही है? क्लोजिंग स्टॉक बड़ा आ रहा है तो इनकम है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक बड़ा आ रहा है ना बेटा तो बैलेंस बाय साइड पे बचेगा, इनकम है। इनकम है तो बेटा यहां पर कैसे शो करोगे उसे? माइनस में शो करोगे ना, माइनस में शो करोगे 9,700।
समझ आ रहा है बेटा सबको? फिर सिक्स्थ, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस नोट नंबर 5। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस नोट नंबर 5 करें बेटे। चलो देखते हैं एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। बेटा वेजेस एंड सैलरीज था, है ना, उसमें बेटा आउटस्टैंडिंग ऐड भी किया था हमने। देखो जरा एक बार ट्रायल बैलेंस कितना आया था बेटा ऐड करने के बाद। ये देखो बेटे वेजेस एंड सैलरीज आया था 29,580, 29,580, बस और कुछ नहीं है बेटे, 29,580। सेवेंथ फाइनेंस कॉस्ट, चेक करना कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ है बच्चे, इंटरेस्ट वगैरह चेक कर लेना बेटा एक बार। बेटा अगले पेज पे ना डिबेंचर्स दे रखे हैं, 2,00,000 के डिबेंचर्स पे 6%, 12,000 का बेटा फाइनेंस कॉस्ट आती है, इंटरेस्ट आता है, दे नहीं रखा है निकालना पड़ेगा आपको। सिक्स्थ फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 2,00,000 के डिबेंचर्स पे 6% का इंटरेस्ट है, 12,000 रुपए का इंटरेस्ट है। लो बेटा ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट, दे नहीं रखी थी बेटा हमने निकाल लिए 12,000 रुपए। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बेटा और कर लूं आपसे, बड़ी काम की बात, याद रखना बेटा ये फाइनेंस कॉस्ट ना ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं था, तो ये एक तरीके से बेटा एडजस्टमेंट है, ये एक तरीके से एडजस्टमेंट है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है। और बेटा हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th से जो एडजस्टमेंट होती है ना उसके दो इफेक्ट पड़ते हैं। तो एक तो इस 12,000 का इफेक्ट पड़ गया पीएल में, बताओ कि इस 12,000 का दूसरा इफेक्ट कहां पर पड़ेगा। बेटा दो बातें हैं, अगर तो ये इंटरेस्ट पे हो गया है, इस साल पे हो गया है, तो बैंक के बैलेंस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, और अगर पे नहीं हुआ है तो बेटा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड पे, कुछ दे नहीं रखा है तो मैं इसे बेटे आउटस्टैंडिंग मान के चल रहा हूं। और कहां पर आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। तो हो गए ना दो ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आएगा बेटे, याद रखना ये बात। चलो अच्छा फिर बेटा आता है एट्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस नोट नंबर 7। वैसे ये तो बेटा हमने निकाल ही लिया था, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अच्छा बेटा इसमें दो डेप्रिसिएशन थे, एक तो था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बेटा देखना कितना निकाला था हमने, ये देखो बेटा 4,315 फर्नीचर पे और 17,000 लैंड और बिल्डिंग पे। तो 4,315 फर्नीचर पे और डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 17,000 रुपए लैंड और बिल्डिंग पे, तो डेप आ गया 21,315। फिर नाइन्थ आता है अदर एक्सपेंसेस,
वर्किंग नोट नंबर 8। अदर एक्सपेंसेस, चलो बेटा करना शुरू करते हैं। इसमें काफी सारे खर्चे हैं बेटा, तो ध्यान से जरा देखना है, स्टार्टिंग से सीक्वेंस में चलना बेटा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 8900, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 8900, लॉन्ड्री 750, लॉन्ड्री 750, कोल एंड फायरवुड 3290, कैरेज 810, सन्ड्री एक्सपेंसेस 5840, एडवर्टाइजिंग 8360, रिपेयर्स 4250, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 8000, बस हो गया बेटा मेरे ख्याल से। टोटल करते हैं इसका, फोर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड। चेक कर लेना बेटा कुछ रह तो नहीं गया हमारा। 40,200 ठीक है बेटा, लो आओ 40,200 खर्चों का टोटल कर लो बेटा। 25,060 प्लस 45,800 माइनस 9,700 प्लस 29,580 प्लस 12,000 प्लस 21,315 प्लस 40,200 164,255 164,255 ये आपके बेटे बी पॉइंट आ गया। बस प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकाल दो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 186,500 माइनस 164,255 222,45, ये आपका बेटा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कॉपी करो बच्चे, तो पहला पार्ट हमारा हो गया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। बनाए बच्चे बैलेंस शीट, चलो आ जाओ मेरे साथ साथ अब बनाएंगे बैलेंस शीट। हेडिंग सब लिखना, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2012, तीन कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले बेटा लिखना इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में बेटा फर्स्ट हेड हमारे पास आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर्स फंड्स में बेटा फर्स्ट सब हेड आएगा शेयर कैपिटल, नोट नंबर वन, सॉरी नोट नंबर वन नहीं, ऊपर कहां तक किया था बेटा, एट तक किया था ना, नाइन्थ, नोट नंबर नाइन, चला जाओ बेटा नोट नंबर नाइन पे,
शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो सिंपल सा है बेटा, मुझे अपने आप बताना। क्वेश्चन के फर्स्ट पेज पे आओ, आपको 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख की, और बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल थी कितने की, 8 लाख की, 5000 माइनस कर दिया था हमने 13 लाख। तो शेयर कैपिटल आ गए बेटा 13 लाख। बेटा अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 10 इंपॉर्टेंट है बच्चे। 10th, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बेटा ध्यान से देखना है, जरा ध्यान से मुझे बताओगे बेटा आपके ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से रिजर्व्स बेटा स्टैंड कर रहे हैं। बेटा एक तो पीएल स्टैंड कर रहा है, पीएल को बाद में देखते हैं, पहले जनरल रिजर्व पे आओ बेटे। जनरल रिजर्व आपको 2 लाख दे रखा है, इनर कॉलम में लिखना, इनर कॉलम में 2 लाख। एक काम करो, एक दो लाइनें छोड़ दो, फिर लिखो पीएल, इनर कॉलम में लिखना ओपनिंग बैलेंस 41,500। इसमें बताओ बेटा प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऐड होगा, पूरा लिखना आप लोग, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऐड होगा। कितना था प्रॉफिट फॉर द पीरियड, 2,225। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऐड होगा 2,225। तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आ गया बेटा, 41,500 प्लस 2,245, 63,745 का प्रॉफिट हो गया मेरे पास। बेटा अब सुनो बेटा, उसने कहा था आपको डिविडेंड पे करना है, कितना बेटा, 64,000 का डिविडेंड। ये देखो हमने निकाला था ना बेटा, 64,000 का डिविडेंड तो था इक्विटी पे और 30,000 का प्रेफरेंस पे, टोटल 94,000 का डिविडेंड है बेटा। मेरी बात सुननी है ध्यान से बेटा, सुनो, उसने कहा डिविडेंड देना है 94 का। बेटा अब 63745 के प्रॉफिट्स हैं आपके पास, उसमें से बेटे 94 का डिविडेंड कैसे दे सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। कितना शॉर्ट पड़ रहा है, 30255 शॉर्ट पड़ रहा है बेटा मेरे को। और लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, दे रखा है ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। उसने कहा अगर पैसे की कुछ जरूरत पड़ी ना तो जनरल रिजर्व से पीएल में ट्रांसफर कर लेना। तो कितने पैसे की जरूरत है बेटा मेरे को, 30255, तो मैं जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करूंगा 30255। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस कम हो जाएगा और पीएल का बैलेंस बढ़ जाएगा 30255। लो बेटा अब बताओ मेरे पास अब प्रॉफिट्स कितने के आ गए, 94 के प्रॉफिट्स हो गए। इसमें से बेटा डिविडेंड दे देता हूं, कितने का डिविडेंड था 94 का, तो निल हो गया बेटा आपका पीएल का बैलेंस। और जनरल रिजर्व 2 लाख माइनस 30255, 169745। बताओ बेटा समझ आया सबको, ठीक है बेटा। एक और रिजर्व था अभी, कौन सा, कैपिटल रिजर्व भी तो था 5000 का, तो ये टोटल करो 174745 आ जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस आ गए 174745, समझ आया, 174745। सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटी आ जाएगी, पहली कौन सी आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें बेटा एक ही आ जाएगी बस, डिबेंचर्स हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 11।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे 6% डिबेंचर्स, कितने के? 2 लाख के। याद रखना बेटा, जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था डिबेंचर्स पे, लॉन्ग टर्म नहीं है वो, लॉन्ग टर्म थोड़ी ना होता है इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म होता है बेटा, करंट लायबिलिटी हेड में आएगा। ठीक है, लो बेटा ये आ गया 2 लाख। बस और कोई बचे? नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। थर्ड आता है करंट लायबिलिटीज। बेटा करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी हैं, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, ट्रेड पेबल्स हैं 42,000 के, ये तो एज इट इज लिख दो। ट्रेड पेबल्स 42,000 के, ठीक है। बाकी बेटा और देखना, और कोई करंट लायबिलिटी है? बेटा एक तो मुझे वेजेस एंड सैलरी नजर आता है ना, कितना? 1280 रुपए का वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा बेटा और मुझे क्या नजर आता है? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 12,000 का मुझे नजर आता है। बेटा एक नजर मारना पूरे क्वेश्चन पे, स्टार्टिंग से देखो। बाकी बेटा डिविडेंड आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी, नोट नंबर 12, नोट नंबर 12। बेटा क्या क्या आएगा अदर करंट लायबिलिटी में? एक तो बेटा अदर करंट लायबिलिटी में आएगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए का था? 12,000 रुपए का। और क्या आएगा बच्चे? वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1280 रुपए। और बेटा इक्विटी डिविडेंड अभी डिक्लेयर हुआ था, पे नहीं हुआ है, तो इक्विटी डिविडेंड आउटस्टैंडिंग 64, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी अभी पे नहीं हुआ है 30। बस टोटल कर दो ये, वन जीरो सेवन टू एट जीरो। लो ये बेटे आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, टोटल करो 13 लाख, 174,745, 2 लाख, 42,000, 107,280, 1824,025, 1824,025। लो बेटा ये आपकी लायबिलिटी साइड बच्चे कंप्लीट हो गई, कॉपी करो फिर असेट साइड करते हैं। असेट्स, अच्छा असेट्स में बेटा फर्स्ट हेड कौन सा था नॉन करंट असेट्स का? नॉन करंट असेट्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले आया था टैंजेबल असेट्स। ठीक है, नोट नंबर 13 बनाओ, नोट नंबर 13 टैंजेबल असेट्स का। टैंजेबल असेट्स, अब कौन कौन से टैंजेबल है बेटा वो देखना है बस हमें। आओ क्वेश्चन पे आओ, स्टार्टिंग से बेटा टेंजेबल असेट्स। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा इस पर डेप्रिसिएशन भी था, 850,000 की लैंड और बिल्डिंग है, उस पर 17,000 रुपए का डेप्रिसिएशन था, तो 833 की लैंड और बिल्डिंग आएगी। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये था 86,300 का, इस पे डेप था 4,315, 5% का, तो 86,300, 81,985, 81,985,
ठीक है बेटा, चेक करो कोई और, बस 914985। फिर बेटा सेकंड आता है इनटेंजिबल असेट्स, पहले देख लो कोई है या नहीं इनटेंजिबल। बेटा गुडविल दे रखी है आपको, तो नोट नंबर 14 बनाना। इनटेंजिबल असेट्स गुडविल आपको दे रखी है 5 लाख। ठीक है बेटा कॉपी करो इसे। अच्छा बेटा अब मुझे बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, उसके बाद बेटा आता था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देखना कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं बेटा, दे रखी हैं देखो 272,300, और मैं इसे बेटा नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म मान के चल रहा हूं, तो नॉन करंट असेट में आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सीधे लिख लो इसका, तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, 272,300 ये आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। बेटा अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स मानोगे इसे तो आपकी ये करंट असेट्स में आएंगे। सेकंड करंट असेट्स, बच्चे करंट असेट्स में सबसे पहले तो आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। हमने तो बेटा एक ही इन्वेस्टमेंट्स थी उनको नॉन करंट मान लिया था। फिर आती हैं इन्वेंट्रीज, देख के बताना बेटा इन्वेंट्रीज कितनी है। इन्वेंट्री बेटा दो चीजों की थी ना, वाइन सिगरेट और सिगार्स की और फूड स्टफ की। थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एड अप कर दो बेटा। सेकंड ट्रेड रिसीवेबल्स, देखना ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दे रखे हैं आपको, 19,260। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका नोट बना लेना बेटे, लेक्चर नंबर सॉरी नोट नंबर 15। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बेटा इसमें आएगा कैश इन हैंड 2200 रुपए का है, और कैश विद बैंक 76,380 का है, तो ये आ जाएगा 78,580। ठीक है बच्चे, बस टोटल करो बेटा 914985 प्लस 5 लाख प्लस 272,300 प्लस 38,900 प्लस 19,260 प्लस 78,580 18,24,025 18,24,025। लो बेटा ये आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली 18,24,025। हुआ बेटा क्वेश्चन पूरा, सबको क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेटा एडजस्ट मेन तो केस हमारा बेटा एडजस्टमेंट्स का है, बाकी तो आपको फॉर्मेट में वैल्यूज को ही सब्स्टिट्यूट करना है, मेन एडजस्टमेंट्स रहेंगी। ठीक है बेटा, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, टिल देन थैंक यू।